आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय माननीय मंत्रीगण एवं सभी प्रतिभागीगण शिक्षा अनुसंधान एवं कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत तथा इस हेतु की गई बजटीय घोषणाओं पर आधारित आज के वेबिनार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में चौंतीस वर्षों के बाद देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राप्त हुई जिसका उद्देश्य शिक्षा शोध अनुसंधान एवं कौशल विकास में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना है माननीय महोदय इस वर्ष का बजट इसी कड़ी में इसी श्रृंखला में एक और कदम है और हम आभारी हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हेतु पचास हजार करोड़ अप्रेंटिसशिप योजना के लिए तीन हजार चौवन करोड़ एजुकेशन हब बनाने के लिए ग्लू ग्रांट डीप ओशन मिशन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लद्दाख में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्कूल शिक्षा में आमूल परिवर्तन जैसे प्रावधान निश्चित रूप से देश के शिक्षा शोध अनुसंधान एवं कौशल विकास को और अधिक तीव्र गति से बढ़ाएंगे आदरणीय महोदय आज के वेबिनार में देश के साढ़े तीन सौ से अधिक प्रमुख वैज्ञानिक शिक्षाविद एवं उद्योग जगत फिक्की सी आई आई इनके प्रतिनिधि सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और अन्य यूट्यूब के माध्यम से बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्कूल और कौशल विकास केंद्र भी अवलोकन कर रहे हैं ताकि आपका मार्गदर्शन देश के कोने कोने में विशेष रूप से दूर स्थानों तक पहुँचे और हम सभी आपके मार्गदर्शन का लाभ उठा सकें इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपना मार्गदर्शन हम सभी को दें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार जी एजुकेशन स्किल रिसर्च ऐसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन आज का ये मंथन ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपने पर्सनल इंटेलेक्चुअल, इंडस्ट्रियल टेम्परामेंट और टैलेंट को दिशा देने वाले पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है इसे और गति देने के लिए आप सभी से बजट से पहले भी सुझाव लिए गए थे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में भी देश के लाखों लोगों से विचार विमर्श करने का सौभाग्य मिला था और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सभी को साथ मिलकर चलना है साथियों आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन अपनी नॉलेज अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो विश्वास हो आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है कोरोना की वजह से अगर रफ्तार कुछ धीमी भी पड़ी थी तो अब उसके प्रभाव से निकलकर हमें जरा गति बढ़ानी भी जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है इस वर्ष का बजट भी इस दिशा में बहुत मददगार सिद्ध होगा इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन स्किल रिसर्च और इनोवेशन पर ही है देश के यूनिवर्सिटी कॉलेज और आरएनडी इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांड का प्रावधान किया गया है जिसके तहत अभी नौ शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके साथ ही अप्रेंटिसिप पर स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है इस बजट में इनको लेकर जितने भी प्रावधान किए गए हैं हायर एजुकेशन को लेकर देश की अप्रोच में एक बहुत बड़ा सिप लाने आने वाला है बीते वर्षों में एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और एंट्रप्रिनर कैपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है ये बजट उनको और विस्तार देता है इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप थ्री देशों में आ चुका है पीएचडी करने वालों की संख्या और स्टार्टअप का इकोसिस्टम के मामले में भी हम दुनिया में टॉप थ्री में पहुंच चुके हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया की टॉप फिफ्टी इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है उच्च शिक्षा रिसर्च और इनोवेशन को निरंतर प्रोत्साहन से हमारा स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट के लिए नए अवसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और अच्छी बात यह है ये भी है कि आर एन डी में बेटियों की भागीदारी में एक अच्छी संतोषकारक वृद्धि देखने को मिल रही है साथियों पहली बार देश के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर उच्च संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स इस पर फोकस किया जा रहा है देश में स्टार्टअप्स के लिए हैकेथॉन्स की नई परंपरा देश में बन चुकी है जो देश के युवाओं और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है सिर्फ नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन इसके माध्यम से ही साढ़े तीन हजार से ज्यादा स्टार्टअप्स नर्चर किए जा चुके हैं इसी तरह द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम शिवाय परम शक्ति और परम, परम ब्रह्मा नाम से तीन सुपर कंप्यूटर आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बी खड़गपुर और आयसर पुणे में स्थापित किए जा चुके हैं इस वर्ष देश के एक दर्जन से ज्यादा संस्थानों में ऐसे सुपर कंप्यूटर स्थापित करने की योजना है आईआईटी आई टी खड़गपुर दिल्ली और बीएचयू में तीन सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल और टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथ ही सेवा दे रहे हैं इन सारे कार्यों के बारे में बात करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सरकार के विजन सरकार के अप्रोच को दिखाता है 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी की सोच को पीछे छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना होगा साथियों हमारे यहां कहा गया है वे कृते वर्जते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन यानी विद्या ऐसा धन है जो अपने पास तक सीमित रखने से नहीं बल्कि बांटने से बढ़ता है इसलिए विद्या धन विद्यादान श्रेष्ठ है नॉलेज को रिसर्च को सीमित रखना देश के सामर्थ्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय है इसी सोच के साथ स्पेस हो एटमिक एनर्जी हो डीआरडीओ हो एग्रीकल्चर हो ऐसे अनेक सेक्टर्स के दरवाजे अपने प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खोले जा रहे हैं हाल में दो और बड़े कदम उठाए गए हैं जिससे इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट्स के पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होगा देश को पहली बार मेट्रोलॉजी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने वाले इंडियन सॉल्यूशंस मिल चुके हैं और यह सिस्टम लगातार मजबूत किया जा रहा है। इससे आर एन डी और हमारे प्रोडक्ट्स की ग्लोबल कॉम्पिटेंसी में बहुत सुधार आएगा इसके अलावा हाल में जियो स्पेशल डेटा को लेकर भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है अब स्पेस डेटा और इससे आधारित स्पेस टेक्नोलॉजी को देश के युवाओं के लिए देश के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है मेरा आप सभी साथियों से सा आग्रह है कि इन रिफॉर्म्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं साथियों इस वर्ष के बजट में इंस्टीट्यूशनल मेकिंग और एक्सेस पर और जोर दिया गया है देश में पहली बार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया जा रहा है इसके लिए पचास हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इससे रिसर्च से जुड़े संस्थानों के स्ट्रक्चर से लेकर आर एन डी एकेडमिया और इंडस्ट्री की लिंकेज को बल मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च के लिए बजट में हंड्रेड परसेंट से ज्यादा की वृद्धि सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है साथियों भारत के फार्मा और वैक्सीन से जुड़े रिसर्चर्स ने भारत को सुरक्षा और सम्मान दोनों दिलाया है अपने इस सामर्थ्य को और सशक्त करने के लिए सरकार पहले ही सेवन नेशनल इंस्टीट्यूट अब फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित कर चुकी है इस सेक्टर में आर डी को लेकर प्राइवेट सेक्टर की हमारी इंडस्ट्री की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है मुझे विश्वास है कि इस भूमिका का आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा विस्तार होगा साथियों हो अब बायोटेक्नोलॉजी के सामर्थ्य का दायरा देश की खाद्य सुरक्षा देश के पोषण देश की कृषि के हित में कैसे व्यापक हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च में जो साथी लगे हैं देश को बहुत उनसे उम्मीदें हैं मेरा इंडस्ट्री के तमाम साथियों से आग्रह है कि इसमें अपनी भागीदारी को बढ़ाए देश में टेन बायोटेक यूनिवर्सिटी रिसर्च ज्वाइंट इंडस्ट्री ट्रांसलेशन क्लस्टर उर्जित उर्जित भी बनाए जा रहे हैं ताकि इसमें होने वाले इन्वेंशंस और इनोवेशंस का इंडस्ट्री तेजी से उपयोग कर सके इसी तरह देश के सौ से ज़्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स में बायोटेक किसान प्रोग्राम हो हिमालयन बायो रिसोर्सेज मिशन प्रोग्राम हो या फिर कंसोर्टियम प्रोग्राम ऑन मरीन बायोलॉजिकल नेटवर्क हो इसमें रिसर्च और इंडस्ट्री की भागीदारी बेहतर कैसे हो सकती है इसके लिए हमें मिलकर काम करना है साथियों फ्यूचर फ्यूल ग्रीन एनर्जी हमारी एनर्जी में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है इसलिए बजट में घोषित हाइड्रोजन मिशन एक बहुत बड़ा संकल्प है भारत ने हाइड्रोजन व्हीकल का टेस्ट कर लिया है अब हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट के फ्यूल के रूप में उपयोगिता के और इसके लिए खुद को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए अब हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा इसके अलावा समुद्री संपदा से जुड़ी रिसर्च में भी अपने सामर्थ्य को हमें बढ़ाना है सरकार डीप सी मिशन लॉन्च भी करने वाली है मिशन गोल ओरिएंटेड होगा और मल्टीसेक्ट्रल अप्रोच पर आधारित होगा ताकि ब्लू इकोनॉमी के पोटेंशियल को हम पूरी तरह से अनलॉक कर सकें साथियों शिक्षण संस्थानों रिसर्च से जुड़े संस्थानों और इंडस्ट्री के कोलोबरेशन को हमें अधिक मजबूत करना है हमें नए रिसर्च पेपर पब्लिश करने पर तो फोकस करना ही पड़ा है दुनिया भर में जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उन तक भारत के रिसर्चर्स की भारत के स्टूडेंट्स की एक्सेस आसान कैसे हो ये सुनिश्चित करना भी आज समय की मांग है सरकार अपने स्तर पर इसको लेकर काम कर रही है लेकिन इंडस्ट्री को भी इसमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है हमें याद रखना है कि एक्सेस और इंक्लूजन यह अनिवार्य हो गया है और एफोर्डेबिलिटी एक्सेस की एक बहुत बड़ी पूर्व शर्त होती है एक और बात जिस पर हमें फोकस करना है वो है ग्लोबल को लोकल के साथ इंटीग्रेट कैसे करें आज भारत के टैलेंट की पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है इसके लिए जरूरी है कि ग्लोबल डिमांड को देखते हुए स्किल सेट्स की मैपिंग हो और उसके आधार पर देश में युवाओं को तैयार किया जाए इंटरनेशनल कैंपसिस को भारत में लाने की बात हो या फिर दूसरे देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कॉलोबरेशन के साथ एडोप करना हो इसके लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा देश के युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने के साथ साथ नई चुनौतियां बदलती टेक्नोलॉजी के साथ स्किल अपग्रेडेशन करने के प्रभावी मैकेनिज्म के बारे में भी एक संगठित प्रयास की जरूरत है इस बजट में ईज ऑफ डूइंग अप्रेंटिसशिप इस, एप्रे, इस प्रोग्राम से भी इंडस्ट्री और देश के युवाओं को बहुत लाभ होने वाला है मुझे विश्वास है कि इसमें भी इंडस्ट्री की भागीदारी में विस्तार होगा साथियों स्किल डेवलपमेंट हो या फिर रिसर्च और इनोवेशन वो कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के बिना संभव नहीं है इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश के एजुकेशन सिस्टम में यह सबसे बड़ा सुधार लाया जा रहा है इस वेबिनार में बैठे तमाम एक्सपर्ट तमाम शिक्षाविदों से बेहतर यह कौन जानता है कि विषय की समझ में भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान होता है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषा के ज्यादा से ज्यादा उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया गया है अब ये सभी शिक्षाविदों का हर भाषा के जानकारों का दायित्व है कि देश और दुनिया का बेस्ट कंटेंट भारतीय भाषाओं में कैसे तैयार हो टेक्नोलॉजी के इस युग में यह पूरी तरह से संभव है प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में एक बेहतरीन कंटेंट देश के युवाओं को मिले ये हमें सुनिश्चित करना है मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो टेक्नोलॉजी हो मैनेजमेंट हो ऐसी हर हर एक्सपर्टाइज के लिए भारतीय भाषाओं में कंटेंट का निर्माण करना जरूरी है मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है गांव हो गरीब हो जिसको अपनी भाषा के सिवाय और कुछ नहीं आता है उसकी टैलेंट कम नहीं होती है भाषा के कारण हमारे गांव के हमारे गरीब की टैलेंट को हमने मरने नहीं देना चाहिए देश में देश की विकास यात्रा से उसको वंचित नहीं रखना चाहिए भारत के टैलेंट गांवों में भी हैं भारत के टैलेंट गरीब के घर में भी हैं भारत के टैलेंट किसी एक कोई बड़ी भाषा से वंचित रह गए हमारे देश के बच्चों में भी हैं और इसलिए उस टैलेंट का उपयोग इतने बड़े देश के लिए जोड़ना बहुत जरूरी है इसलिए भाषा के बैरियर से बाहर निकल करके हमें उसकी भाषा में उसकी टैलेंट को फलने फूलने के लिए अवसर देना ये मिशन मोड में करने की जरूरत है साथियों बजट में घोषित नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन इसके लिए ये बहुत प्रोत्साहन मिलेगा साथियों जितने भी प्रावधान है जितने भी रिफॉर्म्स है इस सबकी भागीदारी से ही पूरे होने वाले हैं सरकार हो शिक्षाविद हो एक्सपर्ट्स हो इंडस्ट्रीज हो कोलोबरेटिव अप्रोच में हायर एजुकेशन के सेक्टर को आगे कैसे बढ़ाएं, इस पर आज की चर्चा में आपके सुझाव बहुत मूल्यवान रहेंगे बहुत काम आएंगे मुझे बताया गया है कि अगले कुछ घंटों में इससे जुड़ी छह थीम्स पर यहाँ विस्तार से चर्चा होगी यहाँ से निकलने वाले सुझावों और समाधानों से देश को बहुत उम्मीद है और मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि अब नीति में ये बदलाव होना चाहिए या बजट में ये बदलाव होना चाहिए वो समय पूरा हो चुका है अब तो नेक्स्ट थर्ट थ्री सिक्सटी फाइव डेज एक तारीख से ही नया बजट नई स्कीम तेज गति से कैसे लागू हो जाए ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के भूभाग पर वो कैसे पहुंचे आखिरी व्यक्ति जहां पहुंचाना है वहां कैसे पहुंचे रोड मैप कैसा हो डिसीजन मेकिंग कैसा हो जो छोटे मोटे हर्डल्स होते हैं इंप्लीमेंटेशन में उससे मुक्ति कैसे हो इन सारे बातों पर जितना ज्यादा फोकस होगा आपका उतना ज्यादा लाभ एक अप्रैल से ही नया बजट लागू करने में होगा हमारे पास जितना समय है मैक्सिमम उपयोग करने का इरादा है मुझे विश्वास है कि आपके पास अनुभव है भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अनुभव है आपके विचार आपके अनुभव और कुछ न कुछ जिम्मेवारी लेने की तैयारी हमें इच्छित परिणाम जरूर देंगे मैं आप सबको इस वेबिनार के लिए उत्तम विचारों के लिए बहुत ही परफेक्ट रोड मैप के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत तो आभार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय आपके मार्गदर्शन हेतु हम सब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और विशेष रूप से महोदय माननीय मंत्री जी माननीय सचिवगण अधिकारीगण हम सब आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जो भी आपने मार्गदर्शन किया है उसके एक एक बिंदु को हम धरातल पर उतार करके इसी वर्ष में आपके समक्ष और देश के सभी लोगों के समक्ष उतार के दिखाएंगे आपका बहुत बहुत आभार